हाँ, मैं हूँ शशांक BHU से, और मैं आज आप लोगों के लिए नेट JRF हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए कुछ यूनिट 2 का प्रश्नों का मैं संकलन लाया हूँ। ठीक है, यूनिट 2 में है हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित प्रश्न है, और उन सबों का मैं संकलन लाया हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो प्रथम प्रश्न है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई, उक्त कथन किसका है? इसका ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किसका उत्तर क्या होगा, ये आप लोगों के लिए है। अब मैं अब चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः बेशुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है, उक्त यह विचार किसका है? ऑप्शन है मुनि जीन विजय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, रामचंद्र शुक्ल। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं, ऑप्शन में होगा लोकहित रक्षक, लोक निरपेक्ष, आत्मनिष्ठ, जीवन सापेक्ष। इसका सही उत्तर होगा लोक निरपेक्ष। अब मैं इस पे थोड़ा सा विस्तार से बात करता हूँ इस प्रश्न पे। हाँ, हरिदासी संप्रदाय को ही सखी संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, इसके प्रवर्तक हुए स्वामी हरिदास जी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में आपको बताना है जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारी लाल भार्गव, वियोगी हरि और अंबिकादत्त व्यास। इसका सही उत्तर होगा वियोगी हरि। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? ऑप्शन है भारतेन्दु हरिश्चंद्र, गुरु भक्त सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, श्रीधर पाठक। मैं आपको बता दूं यहाँ पे विस्तार से कि श्रीधर पाठक ने ऋतु संहार का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, और ठाकुर जगमोहन सिंह ने मेघदूत का कवित सवैये में अनुवाद किया, और भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व नाम से अनुवाद किया था। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसका ऑप्शन है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, अब हम लोग विस्तार से बात करते हैं। हाँ, तो सरहपा का कालक्रम था 8वीं सदी, और पुष्पदंत का था 10वीं सदी, और अदहमान है उनका था 12वीं सदी, और हेमचंद्र है उनका था 12वीं से 13वीं सदी के बीच में। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने होगा, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम होगा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। अब हम लोग विस्तार से बात करते हैं। रस रहस के रचनाकार हैं कुलपति मिश्र, जिसका प्रकाशन हुआ था 1670 ईस्वी में, और भाव विलास के रचनाकार हैं देव, जिसका प्रकाशन हुआ था 1689 ईस्वी में। ठीक है, अब काव्य निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास, जिसका प्रकाशन हुआ था 1746 ईस्वी को, और जगत विनोद के रचनाकार हैं पद्माकर, जिसका प्रकाशन हुआ था 1803 ईस्वी के आसपास। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। अब मैं आपको बता दूं, ये सभी ऑप्शन 3 में जितनी भी रचनाएं हैं, सभी रचनाएं का रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अब मैं इस पे विस्तार से बात करता हूँ। हाँ, मधुशाला प्रथम रचना है का रचना हुआ था 1935 ईस्वी को। फिर है एकांत संगीत का रचना हुआ था 1939 ईस्वी को। फिर है सतरंगिनी, उसका प्रकाशन हुआ था 1945 ईस्वी को। मिलनयामिनी, उसका प्रकाशन हुआ था 1950 ईस्वी को। ठीक है, अब लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मांसल प्रेम का काव्य है।
क्योंकि छायावाद कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन टू, ए गलत है और आर, ए गलत आर गलत, दोनों दोनों गलत ही होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्थछाया दिखाई पड़ी। फिर इसके पीछे तर्क है, इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन और पर्वतीय रूप मिश्रित हुआ है। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन थर्ड, ए सही है और गलत है। मैं इस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करता हूँ। हाँ, प्रगतिवादी सामाजिक जीवन की वास्तविकता को, प्रगतिवाद सामाजिक जीवन की वास्तविकता को लेकर चला और जनता तक पहुँचना और जनता के बीच की बात कहना उनका लक्ष्य रहा। ठीक है, इसलिए प्रगतिवादी कवि ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया था। ठीक है, जिसमें मनुष्य के सामाजिक जीवन का समावेश हो। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान को सुमेलित करना है। अब है, इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फोर। अब मैं विस्तार से बात करता हूँ। गुरु नानक, गुरु नानक का जन्म हुआ था, हाँ गुरु नानक का जन्म हुआ था ननकाना तलवंडी में 1469 ईस्वी में। दादू दयाल का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में। और धर्मदास का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ के में 1433 ईस्वी में। और सुंदरदास का जन्म हुआ था दौसा जो जयपुर में है और 1596 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। गुरु तेग बहादुर का जन्म हुआ था पंजाब में अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में 1621 ईस्वी में। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है नीचे दिए गए कुटों के। हाँ, तो इसमें चलते हैं हम लोग, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। भाषाभूषण, भाषाभूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। ठीक है, फिर है अलंकार पंचासी का, इसके रचनाकार हैं मतीराम। फिर है विष्णुपद कीर्तन, इसके रचनाकार हैं रसनिधि। और फिर है रसविलास, रसविलास के रचनाकार हैं चिंतामणि। ठीक है, हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की बेसाहित्यिक रचनाएँ आती है जो, इसका सही उत्तर होगा तत्कालिक लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है वही सब रचनाएं आती है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन वन, रामचंद्र शुक्ल का। अब मैं इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात करूंगा आप लोगों के सामने। ठीक है, निर्गुण कबीर के बारे में रामचंद्र शुक्ल का ये कथन था। और रामचंद्र शुक्ल और कुछ बातें कहते हैं, ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु संन्यासियों से ग्रहण की, ज्ञान मार्ग की बातें, और जिसमें सूफियों के सत्संग में उन्हें प्रेम तत्व का मिश्रण किया। ठीक है, फिर कहते हैं कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए, निराकार ईश्वर के लिए ईश्वर भक्ति की वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने होगा राजनीति रूप से रीति काल मुगलों के शासन के वैभव का कौन सा युग था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फोर, चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था। ठीक है, तो इस पे बात करते हैं, इस बात को कौन कहते हैं, मैं इस पे थोड़ा सा विस्तार से बात करता हूँ। इस बात को डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था अपने इतिहास में कहा था। ठीक है, उसमें कहा था डॉक्टर नागेंद्र ने। और हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है। ऑप्शन में है शांतिप्रिय द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, निमी चंद्र जैन और शिवदान सिंह चौहान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन टू, ठीक है, नंदुलारे वाजपेयी, जो 1942 में इसका प्रकाशन हुआ था। और हम लोग विस्तार से बात करते हैं, हमारे साहित्य निर्माता
शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है, हमारे साहित्य निर्माता 1934 में प्रकाशन हुआ था। फिर नेमी चंद्र जैन की रचना है दृश्य अदृश्य, जिसका प्रकाशन 1993 में हुआ था। फिर है शिवदास सिंह चौहान की रचना है साहित्य की समस्याएं, जिसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फोर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन फोर। हम लोग चलते हैं विस्तार से बात करते हैं। तो चंदायन के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद, ठीक है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1379 ईस्वी में। मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन, जिसका प्रकाशन 1501 ईस्वी में हुआ था। चित्रावली का प्रकाशन 1613 ईस्वी में हुआ था, जिसके रचनाकार उस्मान थे। अनुराग बासुरी का प्रकाशन 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसके रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, हाँ, तो अब बात करते हैं हम लोग, इसका सही उत्तर का ऑप्शन वन। तो हम लोग अब विस्तार से बात करते हैं। श्रीधर पाठक का जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में। गया प्रसाद शुक्ल सनेही का जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में। फिर राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। ठीक है, हाँ, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृति का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन टू। अब हम लोग विस्तार से बात करते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसका प्रकाशन हुआ था 1952 ईस्वी में। कवि सुमित्रानंदन पंत के लेखक हैं नंदुलारी वाजपेयी, जिसका रचना प्रकाशन हुआ था 1976 ईस्वी में। ठीक है, मिथक और साहित्य के रचनाकार हैं डॉक्टर नागेंद्र, जिसका प्रकाशन हुआ था 1979 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा, जिसका प्रकाशन 2001 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने होगा, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। हाँ, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन टू। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एक बात कि ऑप्शन टू में जितनी भी रचनाएँ हैं सभी के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। अब उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद एक आलोचनात्मक कृति है जिसको नंदुलारे वाजपेयी ने लिखा था, इसका प्रकाशन हुआ था 1940 ईस्वी में। ठीक है, फिर है आधुनिक साहित्य का प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ था। फिर है कवि निराला जिसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। फिर है नई कविता जिसका प्रकाशन हुआ था 1976 ईस्वी में। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य के जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। तर्क है, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन टू। ए सही और आर सही, मतलब दोनों सही है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। इस बात को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है इस निबंध में। ठीक है, ये दोनों बातें सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो अगला प्रश्न है, सही उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, अब लोग चलते हैं विस्तार से बात करते हैं। जपूजी के रचनाकार हैं गुरु नानक, ठीक है, और रसमंजरी के रचनाकार हैं नंददास। फिर है बरवै नायिका भेद के रचनाकार हैं रहीम। फिर है बैराग संदीपनी के रचनाकार हैं तुलसीदास। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने होगा, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके प्रतिपाद के आधार पर सुमेलित करना है। प्रतिपाद के आधार पर, ठीक है, प्रतिपाद मतलब उद्देश्य, मतलब रचना का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है शिवराज भूषण, हाँ, इसका सही उत्तर होगा, पहले मैं बता दूँ, ऑप्शन टू, इसका सही उत्तर ऑप्शन टू होगा। अब हम लोग विस्तार से बात करते हैं। हाँ, शिवराज भूषण के रचनाकार हैं भूषण, जिसका प्रतिपाद्य है अलंकार निरूपण, मतलब उसके पुस्तक के अंतर्गत मुख्य रूप से अलंकार निरूपण की बातें की गई है। फिर है छत्र प्रकाश, जिसके कवि हैं लाल कवि, जो जिसका प्रतिपाद्य है जीवन चरित। फिर है विरह बारिश के रचनाकार हैं बोधा,
बिरहा बारिश के रचनाकार बोधा जिसका प्रतिपाद है रीति स्वच्छंद वृत्ति। काव्य निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास जिसका प्रतिपाद है सर्वांग निरूपण। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था। इसका ऑप्शन है 1862, 1870, 1883, 1888 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा 1883 ईस्वी। अब मैं इस पे थोड़ा सा विस्तार से बात कर लूँ। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में लखनऊ से हुआ था। इसके लेखक शिव सिंह सेंगर हैं, ठीक है। यह वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है, और इसमें कविताओं के उदाहरण भी दिए गए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए, पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास भी एकदम नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इस बात को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था अपने आलोचनात्मक पुस्तक हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है, आदिकाल में कहा था पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं मुसलमानों सामंतों शहरों सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है। इस बात को हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है हमीर काव्य, कीर्ति पताका, कीर्ति कौमदी, कीर्ति लता। इसका सही उत्तर होगा कीर्ति लता। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस बात को कहते हैं, ठीक है, कहते हैं इस तरह की बातों का वर्णन, जीवंत वर्णन हुआ है कीर्ति लता में। कीर्ति लता के रचनाकार हैं विद्यापति, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सगुण नहीं अगुण नहीं नहीं कुछ भेदा इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है। तो ऑप्शन है शिव के द्वारा, काकभुसुंडी के द्वारा, भारद्वाज के द्वारा, तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है। इसका सही उत्तर होगा शिव के द्वारा, ऑप्शन 1। तो अब मैं इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात कर लूँ। रामचरितमानस में शिव जी ने पार्वती जी को कथा सुनाते हुए इस बात को कहा था सगु नहीं अगु नहीं नहीं कुछ भेदा गावही मुनि पुराण बधु वेदा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है, सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 और 4 शिव कुमार मिश्र और सिद्धांत सिंह चौहान, मतलब दोनों प्रगतिवाद शीर्षक नाम से पुस्तक लिखे थे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने होगा जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है, मतलब जन्मकाल बताना है इसमें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 कबीर नानक दादू और सुंदरदास। तो इसका हम लोग विस्तार से बात करते हैं। कबीर का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था काशी में, और नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी जो लाहौर में पड़ता है, फिर दादू का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में जो अहमदाबाद में पड़ता है, सुंदरदास का जन्म हुआ था 1596 ईस्वी में धौसा, राजस्थान के धौसा में, ठीक है। हम लोग अब बात करते हैं आगे। हाँ, अगला है रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है रचनाकाल की दृष्टि से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 अब हम लोग विस्तार से बात करते हैं। ललित ललाम के रचनाकार हैं मतीराम जिसका प्रकाशन हुआ था 1661 ईस्वी में, शिवराज भूषण का रचनाकार है भूषण, ठीक है, और जो 1673 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। पद्माभरण के रचनाकार हैं पद्माकर जो 1810 में इसका प्रकाशन हुआ था। नवरस तरंग के रचनाकार हैं बेनी प्रवीण, 1817 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। हम लोग विस्तार से बात करते हैं। तो इसका श्रीधर पाठक
1859 ईस्वी में लिखे थे, जन्म हुआ था इनका, ठीक है। और मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में। फिर राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था 1896 ईस्वी में। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। तर्क है, इसलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्त वृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन वन। ए सही है और आर गलत है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है, मिथक सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। तर्क है, क्योंकि सभी देशों की जातीय अस्मिता और विश्वास एक जैसे हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन वन, मतलब दोनों बातें गलत हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क है इसके पीछे, क्योंकि भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन वन, ए सही है और आर गलत है। मतलब बातें ए सही है और आर वाले जो तथ्य है वो गलत है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने होगा, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है, इसका ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास, गणपति चंद्रगुप्त। तो इसका आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और प्रश्नोत्तरी का सत्र यहीं से समाप्त होता है, ठीक है। और शेयर भी कीजिएगा। और 13 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है, आप लोगों को बधाई, आप लोग अच्छा करके आए, सफल होकर।